हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डनिंग। गार्डनिंग कीजिए और खुश रहिए। और देखें फ्रेंड्स, आज मौसम कितना खूबसूरत है। आखिरकार शदीद वाली गर्मी के बाद जो है ऐसा खूबसूरत मौसम जो है वो हो गया है, जिसमें मेरे पौधे जो है वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज है 25 अगस्त और इस वक्त जो है शाम के 5:30 हो रहे हैं, लेकिन जो है मौसम बहुत ही खूबसूरत, एकदम मस्त मौसम हुआ है फ्रेंड्स, और पौधे जो है वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से जो है वो नवाजता रहे। तो और फ्रेंड्स जो है एक दूसरे के लिए दुआएँ करते रहना चाहिए। और आपको हवा का शोर सुनाई दे रहा होगा मेरी वीडियो में, बहुत तेज़ वाली हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। और ये देखें पौधे भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये मेरे मिर्चों के पौधे पे जो है बड़ी खूबसूरत जो है वो मिर्चें लगी हुई हैं। बहुत दफ़ा मैंने उतारी भी हैं और अब जो है वो फिर से लग गई हैं। इस दफ़ा जो है 3 लगी हैं, इससे पिछली दफ़ा 5 लगी थी जो कि मैंने हार्वेस्ट कर ली थी। और सभी पौधे जो हैं वो इस सावन के महीने का लुत्फ जो है अभी तक उठा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो इस खूबसूरत से मौसम पर नहीं है। आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि गार्डनिंग जो है सिर्फ महंगे वाले पौधों से करनी चाहिए, या महंगे वाले पौधे जो हैं वो सिर्फ आपको रखने चाहिए, बाकी जो पौधे होते हैं वो तो बस सस्ते वाले जो पौधे हैं या फिर जो आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो वो वाले प्लांट्स जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। बहुत सारे ये आजकल में मुझे बहुत सारे ये एक दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनका जो गार्डनिंग को लेके ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके गार्डन में जो है सिर्फ महंगे पौधे होने चाहिए फ्रेंड्स। सस्ते वाले पौधे जो है जैसे कि ये स्पाइडर प्लांट, उनको मेरे एक जानने वाले उन्होंने कहा कि जी ये जो प्लांट है ये बहुत ही सस्ता वाला है, इसलिए हम इसको ग्रो नहीं करते घर में, ये तो ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में अगर उनको जो है वो अगर उन्होंने नासा की रिपोर्ट देखी हो तो उसमें एयर प्योरीफाई प्लांट्स की लिस्ट में जो है स्पाइडर प्लांट जो है वो दूसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स। तो स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत एक प्लांट है। ये गलत बात है बिल्कुल कि पौधे जो हैं वो आपको महंगे लगाने चाहिए, ऐसा नहीं है। हर पौधे की अपनी खूबसूरती होती है। अगर हम खूबसूरती की बात करें तो फ्रेंड्स जैसे ये आयरसिन का प्लांट है तो ये तो कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगर आपने कटिंग करके रखी है फेंकने के लिए तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें पौधे जो हैं वो आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। और एक गार्डनर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको ना पौधों की ज़ुबान समझ में आ रही होती है। तो इस वक्त ना मेरे पौधे पता क्या कह रहे हैं एक दूसरे से कि यार आज मौसम बहुत ही अच्छा है तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। तो आज जो है वो मेरे प्लांट्स जो है वो बातें कर रहे हैं आपस में और बहुत खुश हो रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला ने जो है ये रहमत हम पे कर दी है। तो फ्रेंड्स बात मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी कि आयरिसिन की जो है हम कटिंग जो है वो ग्रो कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो ये वाला जो प्लांट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सारे प्लांट्स में देखें तो ये प्लांट्स जो है आयरिसिन का जो प्लांट है वो देखने में इसकी जो खूबसूरती है फ्रेंड्स वो देखें कितनी प्यारी है। और मैं कहती हूँ इस जैसा खूबसूरत प्लांट जो है वो मेरे पूरे गार्डन में नहीं होगा। तो मैं उन लोगों की जो मेंटालिटी है वो मैं उनकी बदल तो नहीं सकती, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं मेरे जो और बहुत से सारे दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि गार्डनिंग जो है ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत महंगे वाले प्लांट्स हों तो ही आप गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। सस्ते पौधे या कटिंग से ग्रो किए हुए पौधों से भी गार्डनिंग शुरू की जा सकती है। जैसे मेरे पास ये वाला जो बंच है प्लांट्स का, तो ये सारी जो स्पीशीज़ है वो थोड़े आम पौधों से एक्सपेंसिव है,
तो ये जैसे पोनीटेल पाम है, आप इसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई फाई हो गई है, या फिर ये जो पोथोस है, इसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो फिलोडेंड्रन है ये, इसकी कटिंग भी आपको जो है वो नर्सरी से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। और इसी तरह फिर ये फॉक्सटेल फर्न है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। तो ज़रूरी तो नहीं कि अब मैं यही वाले प्लांट्स जो हैं यही मैं ला के रखूँगी तो ही जो है वो गार्डनिंग शुरू होगी, नहीं, मेरे पास सस्ते वाले भी प्लांट्स हैं। गार्डनिंग जो है वो सस्ते प्लांट्स से भी आप शुरू कर सकते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे पैसों से नवाजा हो और आपको शौक़ भी हो तो आप महंगे वाले प्लांट्स भी ला के रख सकते हैं, लेकिन आप जो है वो कंपेयर नहीं करेंगे कि जी हमारे पास जो है वो कलेक्शन में, पौधों की कलेक्शन में सिर्फ हमारे पास महंगे वाले प्लांट होने चाहिए। तो महंगे और सस्ते की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये देखें, ये कितना खूबसूरत है मेरा प्लांट लिली का, और ये एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मैं ले आई हूँ इसको। और अब जो है इसके बेबी प्लांट्स जो हैं वो भी मैंने एक दो जगह ग्रो किए हैं। इसी तरह ये स्नेक प्लांट की स्पीशीज हैं जितनी भी, ये सारी ही एक्सपेंसिव हैं, और नर्सरी में जो है आपको बहुत महंगे दामों मिलती है। लेकिन स्नेक प्लांट की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, और इसके पफ्स भी जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके एक से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। तो बस मेरा यही आपको कहना है कि महंगा और सस्ता पौधा या गार्डनिंग का इससे सस्ते महंगे से कोई ताल्लुक नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए एकदम से धूप आ गई है और आसमान पर जो है वो काले गहरे बादल भी छा गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इतना खूबसूरत मौसम हम लोगों को दिखा रहे हैं, और ऐसा जो है वो कोई किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। ये वाला जो मैजिक है ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है, और हमें उसका शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि वो हमें इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो है वो दिखाता है। और कुदरत की जो ये अनमोल खूबसूरती होती है ना फ्रेंड्स, इसको सराहना चाहिए आपको देख के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चीज़ें अल्लाह ताला हमें दिखाते हैं, ये मौसम, ये पौधे, ये फूल, ये फूल पौधों के खूबसूरत पत्ते जो है, ये सारी जो है वो कुदरत की खूबसूरत सी निशानियाँ हैं। और यहाँ पर देखें ये जो है हिबिस्कस पे कितना खूबसूरत सा जो है वो फ्लावर आया हुआ है, और यहाँ पे जेट्रोफा पे भी जो है वो फूल आ रहे हैं, और बहुत सारे फूल आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है कनेर भी जो है माशाल्लाह से मेरा फूलों से भर गया है। तो फ्रेंड्स, बात करने का आज की वीडियो जो है वो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही है कि महंगे सस्ते पौधे गार्डनिंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, गार्डनिंग तो बस गार्डनिंग होती है। और यहाँ पे जो है ये परिंदों की जो दाने और पानी वाली ट्रे, इसमें रात भर इतनी बारिश हुई है कि दाना भी जो है वो सारा बेस में बैठ गया जाके, और इसमें पानी जो है वो खड़ा हो गया। और फ्रेंड्स, आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि इस क्यारी में जो है टाइंथस लगा हुआ था और उसके बीज शायद गिर गए थे, और ये खुद ही प्रोपोगेट होके एक खूबसूरत सा जो प्लांट है वो निकल आया। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो उसमें बहुत सारा लेसन है आप लोगों के लिए। मेरे नए देखने वाले जो हैं, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।